गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मानिक प्रोति। आप सभी कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ही होना चाहिए। देखिए टाइम हो चुका है 6:30 और मानिक आज बहुत जल्दी उठ के बैठ गया। खुद तो जग गया लेकिन और किसी को भी नहीं सोने दे रहा है। अपने पापा को भी उसने जगा लिया है और तंग करे जा रहा है। अभी तो रोए भी रहा था, अब तो चुप हो गया है। अब उनके साथ खेल रहा है। ये इसकी सुबह हो गई है और इसने अपने पापा से दूध दूध गर्म करवाया है। अब कहता है कि टीवी चलाओ। दोनों रिमोट लेके आ गया। पापा को दो नोनी, पापा को दो रिमोट। हाँ पापा को देखो, सुबह सुबह इसको टीवी चाहिए। और अभी 6:30 हुआ है, ज़्यादा दिन भी बाहर नहीं निकला है। आज मौसम हो रखा है बारिश का, मुझे लगता है बारिश होगी। और ये नोनी बैठ गई है चुभे चुभे उठ के। पापा जी ने मुझे बोला था जल्दी उठने के लिए, खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए। तुम्हें थोड़ी ना बोला था नोनी चुभे चुभे हैं। छोना, ए छोना क्यों उठ गई चुभे चुभे हैं? और छो जा थोड़ी देर और। नोनी सो जा, पापा को इतनी आ ली है, बोल लो। देखिए मतलब कि 2 बज चुके हैं और पता है हमारा सारा काम हो चुका है। सिर्फ लगानी है मशीन, क्योंकि वो मैं लगाऊंगी। बस एक चक्कर के कपड़े हैं तो मैंने सोचा हाथ से क्या धोऊं, ये धोने नहीं देगा, तो मैं अभी मशीन लगा लेती हूँ। लाइट भी गई हुई थी, अब लाइट आ चुकी है। और आज मैंने की है सेटिंग, थोड़ा सा सामान इधर से उधर सेट किया है और फटाफट करके ये काम कर लेते हैं। मशीन लगाएंगे नहीं तो फिर पता है ये मानिक सो जाएगा ना, तो फिर करने नहीं देगा। या तो मैं सोच रही हूँ जब ये सो जाए तब लगाती हूँ। और बाकी काम मेरा सारा हो चुका है और मजे कर रहा है बस मानिक और मैं। ये चला टेबल के साथ खेलने और गंदा बच्चा। और यहाँ पे हमने मशीन हटा दी है तो सिर्फ यहाँ पे ये सामान रखा है और गैलरी हमारी खाली हो गई है। मशीन सेट कर दी है आगे की तरफ, थोड़ा जहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ था। आ जाओ नोनी, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, इधर आ जाओ नोना, बाहर नहीं। ये देखिए ये टेबल के साथ लगा हुआ है। आ बेटी ये ले, मैं पापा के पास जा रही हूँ। नोना बाय। नोनी चल चल के, चल चल के। अब चलने लगे तो बड़ा तंग करता है, रुकता ही नहीं है। नोना आ जा, आ जा छोना। हो ये देखो सारे टेबल से और चद्दर मैंने मतलब साफ कर दी थी लेकिन सेट नहीं किए इसलिए इधर उधर हो रखी है। और देखो कैसे चला रहा, गाड़ी तो चलाता ही है। और मशीन हमने सेट कर दिया यहाँ की तरफ, क्योंकि यहाँ सामने ठीक है, क्योंकि दिन में भी नहीं मतलब। नोना कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये तो भागने लगता 2 मिनट में इसको लोको तो है। देखो 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 तेरी तो, ओ तेली तो चौपे में आ जाती है गंदी बच्चे। और यहाँ पे हमारी सेटिंग सारी हो चुकी है, सिर्फ बचा है क्या मशीन लगाने के लिए। और बर्तन वगैरह धुल गए हैं, सारा काम मेरा खत्म हो चुका है। सिर्फ ये देखिए यहाँ पे अभी मशीन लगाऊंगी। और ये फिर आ रहा है मानिक, चलते चलते जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, आ जा। सारा कुछ इसका समेट दिया, खिलौने वगैरह रात में सारे फैला के सोता है। और उसके बाद सुबह सुबह हमें उठ के इसके खिलौने सेट करने पड़ते हैं, बाकी काम फिर करते हैं। और अब बचा है सिर्फ नहाने का मेरा और कपड़े धोने का। कपड़े तो चल रात को भी धो लूंगी, जब ये सो जाएगा या दिन शाम को सोता है ना तब लगा लूंगी मशीन, नहीं तो रात को धो लूंगी। उस दिन 2-4 दिन हो गए तब मैंने ना रात को धोले थे और थोड़े से बचे हैं, एक चक्कर के हैं, तो मैंने सोचा फटाफट धो लेती हूँ और शायद हम कहीं जाए भी। और अभी तो हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हमें थोड़े बहुत शॉपिंग करनी है नवरात्रि की। और नवमी में हम कंचक करेंगे तो कंचकों का सामान लेके आएंगे, कुछ क्या पता आज लेके आए या अष्टमी वाले दिन लेके आए, अभी मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड जी को पता है, वो कब जाएंगे, जब उनके पास टाइम होगा तब हम जाएंगे, अभी तो देखते हैं। और बस अब मानिक को नहलाने की तैयारी करते हैं क्योंकि बाकी काम नहीं तो फिर मेरा रह जाएगा। इसको नहला उला दूंगी, कुछ खिला पिला दूंगी तो ये सो जाएगा, तब सारा काम हो जाएगा। तो हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, मानिक भी बहुत शैतानियां नहीं करता है, बहुत अच्छा है। नोना खाली बस मेरा खेलता रहता है और थोड़ा थोड़ा सामान फैला देता है, सामान तो कोई भी बच्चा है वो फैला देता है। उसके बाद उसके फिर सेटिंग करनी पड़ती है, बार बार ही सामान गिराएगा, फिर मैं सेट करती रहूँ, सारा दिन शाम यही निकल जाता है। और फिर पति देव का व्रत का खाना बनाना पड़ता है शाम का, तो वो बेचारे 9-10 बजे तक आ जाते हैं तो फिर उनका खाना बना देते हैं। ज़्यादा झमेले नहीं है, आलू वगैरह जो उबालने होते हैं वो पहले उबाल के रख लेती हूँ,
फिर बाद में वो आते हैं तब खाना बना लेती, तो हम फटाफट अब नहाने चले क्योंकि टाइम हो चुका, 2:15 हो चुके हैं इस वजह से। पर ये आ गया फिर शैतान, देखो पायदान लेके आया हुआ है। नानी क्यों गंदी बात करती हो? ओ देखो बोतल पायदान सब लेके घूम रहा है, गंदी बच्ची। अभी वो साफ करके गई है, काम करने वाली झाड़ू पोछा कर गई है, बाकी काम हमने कर लिया था, ज्यादा तो होता नहीं है काम। और ये देखिए अब उसको पायदान को धो रहा है, ऐसे करते हैं हैं? अच्छा, पापा पिती पिती कर देंगे, चलें नोना नहाओगे तभी तो बाकी काम होंगे, चलो आओ आओ जल्दी आओ छोना, चलो। मेरी छोना नाई नाई करती है, अब छोले बाटेंगे, नोना चलने लगी है ना, नोना चलने लगी ना छोले बाटेंगे, नानी से बोलेंगे नानी जी पापा 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 कहाँ गए पापा? ओए 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 आजा 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 छोना मेरी आजा। 4 बज चुके हैं और मानिक सोने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों बेटा नहीं सो रहे आप? क्यों नहीं छो ले हो? नहीं छो ना अभी नहीं छो ना। और देखिए चद्दर का हाल क्या कर रखा है, शुक्र है ये खेल रहा था तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, बस ये लास्ट चद्दर बची हुई है। और बाहर देखिए ये सारे धुल के सूख रहे हैं, धूप भी बड़ी तेज है, ये यहाँ पे भी, और इसके कपड़े हैं सारे सूख रहे हैं। और नोना है जो वो सो नहीं रहा है, लास्ट चद्दर बची और मैंने अभी नहाई भी नहीं हूँ, 4 बज गए हैं, लेकिन ये सोच रहा है कि मैं खेल लूँ। तो मैं कहा चल कोई बात नहीं खेल ले, सोए तो सही, थोड़ी देर सोएगा तब तो नहाया जाएगा। नोना अभी हमने रोटी भी नहीं खाई है छोना, ओती भी नहीं खाई है मैंने अभी तक, समझ सकता है ना तू है छोना। गाड़ी चला लो, गाड़ी अपनी गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला लो, चलाओ गाड़ी। कहाँ है आपकी गाड़ी? नोना की गाड़ी कहाँ है? नोना की गाड़ी कहाँ है? ओए नोना आपकी गाड़ी कहाँ है बता दो मेरी बच्ची, बता दो गाड़ी कहाँ आपकी? आजा 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 जल्दी आजा, फटाफट फटाफट आजा जल्दी जल्दी। और देखिए इधर हमारी मशीन लगी हुई है अंदर, और यहाँ ये नोना तंग कर रही है। नोनी कहाँ जा रही हो? उधर पानी थोड़ा थोड़ा हो रखा है, आप इधर आ जाओ, चलो बाहर बाल चलो बाल बाहर चलो बाहर बाहर चलो, चल रहा है जल्दी जल्दी छोले बाटेंगे अब तो हम। नोना चलने लग गई फटाफट, ओए मेरी लाडो देखियो सारा घर साफ पड़ा हुआ है, तू यहाँ घूमी घूमी करनी है। और ये देखिए हमारे मंदिर में जोत भी जल रही है, आज हमारे हस्बैंड ने फिर वही टाइम पे चलाया था 12 बजे। ओए मेरी मानिक कैसे आराम से बैठ के चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट हैं गिरने की खुशी में, पता ही है ना गिर गया तो मैं पीछे देखी नहीं और मैं ध्यान नहीं दे, पीछे खड़ा हुआ तो लग गया तो ये नीचे गिर गया तो रोने लग गया। अब इसको मैंने चॉकलेट दिए, कितने आराम से खा रहा। नोना नोना नोनी नोनी मेरी नोनी मेरी छोनी, अपनी सारी गाड़ी उड़ी इधर लेके लगी हुई है, कौन काम करेगी बता, कौन करेगी, कौन करती है, कौन कौन? मानिक करेगा चॉकलेट खा खा के। लाल हमारा सारा काम हो चुका है, सिर्फ एक चक्कर के कपड़े रह गए, वो भी चद्दर रह गई है, और मानिक खा रहा है चॉकलेट। उसको खिलाने के बाद अब हम उसको सुलाएंगे क्योंकि वो थोड़ा खा ले, और थोड़ा दूध दूध पिला के रोटी बनाने जा रही हूँ मैं, इसको रोटी भी खिला के तब सुलाऊंगी, क्योंकि फिर शाम थोड़ा 1-2 घंटे सो जाएगा तो मैं नहा वहाँ भी लूँगी क्योंकि नहाई नहीं हूँ मैं। 4 बज चुके हैं और मानिक को चॉकलेट दी है तो देखिए सारी जगह टेबल वगैरह पे लगा रहा है, कोई बात नहीं खेल खेल के खेल लेता है और खा भी लेगा। तो हम कर देते हैं वीडियो को एंड, लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।